साफा हो। राम राम भाई, सारे भाइयों ने आपका भाई सुंदर दिनों दिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों फिलहाल आप आदर्श गांव में खड़े हैं और ये आदर्श गांव के वे हैं खेत खात झाड़ी जुड़ी। और आज आदर्श गांव में क्या दिखाऊंगा आप देख के चौक जाओगे, नुकोगे अक भाई यो क्यों होया, यो क्यों हो रहा है, आज आखिर यो आदर्श गाँव है। मतलब इसमें एक इसी भयंकर वो चीज़ दिखाऊंगा। मेरे द्वारा कॉल आई कि सुंदर भाई जल्दी आ और यो दिखा के हो रहा है, तो कैमरा मैन तय कहूँगा आ जाओ। ए यो है भाई आ जाओ नुबले अके यार है, गौशाला भी है देखो आशा में गौशाला दिखा है। और इसका आगे खेल स्टेडियम है और उस तो पर नहीं जो भाई बनिया न वह पार्क बनवा रखी वाह है। अरे यार हो रहा है ये दिखा दे भाई एक बारी, देखियो दिखाऊंगा मैं के है इसमें, आप देख के चौंक जाओगे। आ जाओ इसी चीज़ दिखाऊंगा आज आपने, आ जाओ जो भाई शर्मसार कर देगी। आ जाओ वे देवे इकट्ठे हो रहे नौजवान नौजवान छोरे वे रहे भाई देख वे इकट्ठे हो रहे देख। अरे भाई एक बहुत बड़ी बात मन को हूँ कसुत्ता काम कर रहा क्या भाई अड़े। और भाई जो हरियाणवी कलाकार है ज्ञानी वो भी आ रहा वो और अपना दौरा ज्ञानी ने फोन कराया नो बोलिया सुंदर भाई ये दिखा ये देखो ज्ञानी भाई एक बार राम राम आने दो। राम राम भाई। ज्ञानी भाई मैं आप पद से बात करूँगा एक बार दिखा दूँ। दिखा भाई यो देखो भाई यो दिखाना हूँ मैं के है यो जो नुको आकर है ना गौ माता की जय ये गौ माता है। ये देखो भाई ये देखो देख ये कीड़े दे, ये देखो यो 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 आल है देखो गौ माता ये देखो भाई ये देखो हाँ। और ये इस साइड यो देखो भाई ये देखो भाई खुली नुए पड़ी है भाई ये देखो ये आप देख सको हो पड़ा हो भाई सारे आ जाओ आ जाओ। ये सुई के नौजवान साथी हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं अरनु का है हमी भी देश की सेवा करेंगे लेकिन देश की सेवा तो जिद होगी ना जिद ये बांस मुक्ति मिलेगी क्यों भाई साहब। एक बार राम राम आने दो भाई सारे भाई राम राम भाई भाई यानी भाई अपना फोन करा मेरे द्वारा तो बोलिया भाई नुनू चाला हो रहा है तो ये तो चाला तभी ऊपर चाला है तो ज्ञानी भाई किस तरह बनी बात है भाई यार अपना गौशाला है गांव की। अच्छा इसमें खूब रुपया दे है गांव राम। अच्छा सारा सौदा संभाल नहीं हो रही 1% भी। अच्छा स्टेडियम सिर्फ भाई 40 से डंग पर होगा बालका ने मान लिया तैयारी नहीं कर सकती स्टेडियम गायन खुली गिर जाए मर्दी कुत्ते खाई जाए हाथ दिया के नन्नी नठा ले जाए चौकड़ा वो हड्डे हड पड़े देख लो भाई बिल्कुल ये बालक जितनी हो सके दबे भी है बेचारे फिर भी भाई मान ले कुत्ते पैड ले ना सूल गिर दे कमेटी संभाल दिए को नहीं प्रधान मरे पास है प्रधान ने 3 महीने हो गए मेरे मरे ने उसके बाद गौशाला कोई संभाल नहीं भाई। अच्छा और बुरा हाल हो रहा है गाया नहीं बोले गहरा नहीं पड़ रहा कहाँ हाजिद मैं पढ़े भाई बोले हमने ठेका थोड़ी ले रखा था हम ले लो चाबी 45 लाख थे जिद किसी ने चाबी कौन दी भाई मारती 45 लाख रुपये सांग में उगरे हैं और ये साइड सुइड हैं ये अलग तो बने रहे हैं भाई। अच्छा बाणिया ने ऊन तन्यारे अलग गाम राम ने जो पीसा दे रखा है इतने तावड़े एक साल में थोड़ी सामड़ गए बुरा हाल हो रहा भाई देख लो जो गौ माता ना पी सब तो ज्यादा माना है पूजा हाँ उसकी यह बिरान माटी कर रखी भाई बिल्कुल भाई। और आप यार खड़े तो हाँ भाई लेकिन बास आने लग रही है हाल हो रहा है बिल्कुल थोड़े इस साइड ना हो भाई तो आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये बताओ फौज की तैयारी कौन सा कर रहा है ये सारे बालक आ जाओ भाई सारे कर रहे हो खेल कुछ की तरह गेम की तैयारी कर आगे ना जाओ भाई हट ना जा। अच्छा अच्छा ये बताओ भाई आप तैयारी करने लग रहे हो तो नु तैयारी हो जाएगी नानू को नहीं हो तैयारी को नहीं हो बढ़ाया नहीं जाता भाई साहब क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी है ये और इन्हें न यह सुविधा नहीं मिलेगी हैं एक ऊपर तनु भी कहें आदर्श गांव हैं और फिर यह सुविधा भी कोनी मतलब बांस आने लग रही है तो क्या कुछ करना चाहोगे बताओ अपने दर्शकों ने। भाई साहब हम आपको क्या बताएं आप एक सीधी बताओ यहाँ पे हमारा स्टेडियम है यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस भी नहीं होगी तो हम आगे देश के लिए हम क्या कर सकते हैं आप देख रहे हो जैसे कीड़े चल रहे हैं क्या ये दाब भी नहीं सकते या हमें बुला सकते हैं वहाँ से हमें भी आज तक भी नहीं ऐसे नहीं कहा दाब जाओ यहाँ पे आके अब तक 4-5 बार हम खुद आगे दाब के गए इनको यहाँ पर अब आप खुद आप ये सोच सकते हो कि कितना बुरा हाल हुआ यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जो कमेटी वाले हैं ज्ञानी भाई
उनमें कौन कौन है? अरे गांव वाले पंचायत भी हो है, गांव राम हो है, तो के कुछ का है जब भाई कमेटी में थे 24 या 25 आदमी, उनमें से एक प्रधान था बल्लू मैनेजर, वो एक्सपायर होने के बाद कमेटी आड़ कोई नहीं आंदी, एक दो आदमी आओ है चाह पानी होका पी के मजदूरान बता जाए हैं और अपना पैर बोलना, कोई फंड नहीं रह रहा गौशाला का। हमने कई जगह कोशिश करी फोन करने की, कड़ा फोन किसकन फोन करा था भाई वो संजय परमार जो गौ रक्षक है बयानी का भी, मान लिया हरियाणा का भी, उस भाई साहब ने बढ़िया बात करी भाई थम आ जाओ हम कमेटी वाले खिलाफ एक्शन लेवाए। अच्छा हम भाई आड़े की तैयारी कर रहे थे, आज करा था 112 नंबर पर फोन करने हुए थे हमी, फिर दो चार काम के और आदमी आए नुले भाई एक दो दिन में थमने हम बता देंगे। अच्छा तो ज्ञानी भाई वीडियो है अपनी वायरल हो जाएगी, जाओ भीगी अपने काफी भाई जुड़ रहे हैं, तो नू नहीं अक भाई एक बारी बैठ के बात कर ले, वीडियो नहीं बनवावा क्योंकि या तो वायरल होगी, फिर भाई वायरल होनी चाहिए, होनी चाहिए। 45 लाख रुपए उग रहे हैं, गौवा का नाम तो उग रहे हैं, तो कड़ा लागे कड़ा नहीं लागे गाम राम ने हिसाब दो, कोई हिसाब नहीं दे रहे भाई, एक साल में कुछ भी नहीं भाई, गांव इतना दे गौ खातर दो रेडी ठुक के आऊंगा मतीब भी तूड़ी भी गे रहे हैं गांव वाले जमींदार आदमी, कुछ आदमी ने भाई के आपका फायदा टो रखा, अच्छी खेती बो रहे हैं, सिर्फ गौ आड़ा रोक दी मरो तो मरो जियो जियो, उनने कोई मतलब नहीं, उनने सिर्फ इससे बात का मतलब है कि भाई गा गई रुके अपना आराम से फटकार के सो और कोई मैटर नहीं, बस उन आड़ा रोक दी मरे मरे ठाक ट्राली ट्रैक्टर आड़ गई इसकी खाई गिर जाए। एक बात हो रही कितने गौशाला में जाके देख लो, मतलब गाय का बुरा हाल हो रहा है, एक आधी इसी होगी जड़ा भाई अच्छी सुविधा मिलती होगी, गांव मर भी जा है लेकिन इन भाइयों का कहना है अगर मर जा है तो न दाबनी भी चाहिए, बिल्कुल दाबनी चाहिए ना, हमने बुला लो गांव में तो 20-30 आदमी फोन करेंगे तो जरूर आऊंगे, सारा स्टेडियम के बालक है वो तैयार है मगर कोई कंधा है को नहीं दो दो दिन तो गौशाला में तो काटे हैं, स्टेडियम बिल्कुल नजदीक है, थोड़ी बाल नींद की चलती है कोई भी बालक कौन डट सकता है स्टेडियम, बिल्कुल भाई जो पार्क बना रखी है ना जड़ा दूर दूर तक चाल के आओ है देखे हैं वो भी नजदीक है, और जो स्टेडियम है और सबसे बड़ी बात तो या जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो भी इस गांव में आ रहे हैं, और जो स्टेडियम है उससे मुतरे थे वो भी आप तो दिखावांगे पीछे, और जो गौशाला का मेन गेट है वो भी दिखावांगे। 3 साल हो गए जो आड़ा गौशाला में काम करा था ने, उस बंदर ने कोई 3 साल तय मेरे ती कोई नमक भी नहीं दिया इन्हें, आ गौ को ऊपर घेर दिया। अच्छा नमक तो सब घेरे हैं, डांगर पशु मर जाए उसका नाम क्या, रामोतार कर्मचारी है, आड़े है। अच्छा उसने कोई 3 साल तो मान ले नमक भी को नहीं, और गौ माता है कमेटी है और किसी गम उगा लो यार, बिल्कुल भाई। तो अपनी जो वीडियो हुआ आप एक पक्ष नहीं दिखाया करा भाई, दोनों पक्ष दिखावांगे, और जो कमेटी के सदस्य हैं उन तभी आप कॉन्टेक्ट करना चाहवांगे, उन दौर भी चलांगे उनका के कुछ करना है, फिलहाल आप जो गौशाला है उसमें चलांगे और बात करांगे, जो भाई बता रहे हैं कि खाने भी नहीं है, जो बाहर आ रहा है उससे भी बात करांगे, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में चलो। तो गांव के कुछ मौजूद आदमी हैं इनसे ही बात करांगे, आ जाओ। राम राम भाई। राम राम, क्या नाम है? टीनू नाम से भाई। टीनू भाई गांव भाई कोई हुआ को नहीं है कि गौशाला में देखो मर भी जा है, लेकिन जो युवा साथी हैं आपका गाँव के नु कहीं ना दाब तो दे कम से कम, तो क्या कुछ कहना है आपका भाई? इस तरह है बात है, कई बार मतलब परेशानी जी हो जाए, कोई मशीन भी ना मिला, कई बार बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया आ रहा है, स्टाफ से कोई दिक्कत को नहीं, पानी की भी सुविधा है गांव में, सुख शांति से सुविधा सारी मानना है, सारी सुविधा है, आदर्श गांव है। तो ये युवा साथी परेशान हो रहे हैं भाई? युवा साथी नु है नहीं जान से, ये आग मान लो या बात सोचे हैं तो बढ़िया सोचे हैं कि गौ माता मरे है उन्हें दाबना चाहिए, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन भाई ये युवा साथी नू सोच ले नहीं ये मरे क्यों से तो भी फर्क पड़े बात में। तो जो भाई ये मान लो एक मिनट खातर है भाई ने यह सोच ली भाई आप मर गई, इसका ट्रीटमेंट खातर क्या होना चाहिए, आगे नहीं मरे उस खातर क्या होना चाहिए, वो भी सोच सके ना। वो तो कमेटी होगी ना, कमेटी यार सारे को नहीं आ रहे हैं, एक से कमेटी में भी अलग अलग आदमी हैं, हर धारा के आदमी हैं, इसी बात को नहीं होगी भाई मान लो एक से हो, गौ माता पेट में के है कुछ नहीं मेरा, मेरा वर्गा कोई डांगर ले आया है बाजार में तो गम में छोड़ दे, वो बाजार में कागज खाओड़े हो डांगर आड़ा के मर जाए, उसमें गौशाला कोई नुकसान वो कौन मान लो रोलक भाई उन्हें मार दे, ठीक से बात तो भाई इस तरह है कि मान लो गांव का ठीक से जुगाड़ है, इसी गलत को नहीं कि भाई
गौशाला स्टाफ खराब कोई नहीं, गौ माता बीमार हो जाए है मर भी जाए है वही। कई बार क्या है जेसीबी वाला दौड़ जाओ है हम देखा है तो जेसीबी वाला भाई घंटा में आऊंगा दो घंटा में आऊंगा बड़ा लेट भी हो जाए सीजन का टाइम से कोई खास बात को नहीं। बिल्कुल आपकी बात तो मैं सहमत हूँ, मशीन आवे मर भी जा है, लेकिन जो ये गांव पड़ी है ना ये कम से कम नो लगा लो 10-15 दिन की होंगी कीड़े चल रहे हैं तो क्या भाई मतलब मशीने को नहीं मिली। भाई मैं तो एक बात जानू हूँ या तो गौशाला है लोग गलिया में अंडे हैं खुर कट रहे हैं बाजारा में भी अंडे हैं तम भी अंडो सारे माने देखो मीडिया अपना काम करे है शहर में भी डीसी के भी ऑर्डर में सारे हो सिस्टम गौ आगे पाँव कट जाए साधना थे रोड पे बैठे हैं तो दे भैया तो हो जाए अगर ऐसी बात को नहीं लेकिन कोई बीमार छोड़ जाए मेरा वर्गा कमीन आदमी आके भाई गौशाला में संभाल लेंगे भाई गौशाला क्या क्या संभालेंगे भाई घर न 10 सदस्यों उधर कौन संभाल दी गौशाला में इतने डांगर कौन कौन आया कर राम राम सुई गाँव से। अच्छा तो आपने भी बात सुनी होंगी। हाँ सुनी तो है। आपका क्या कुछ कहना है गौशाला के बारे में? गौशाला भी ठीक चल रही है भाई डॉक्टर टीम भी आओ है जिस तरह काल गांव मर गई थी एक या गांव मरे बार डॉक्टर टीम दो दिन इसके ताकत की टिक्की लगाए सारे काम करे या गांव गुजर गई तो मजदूर आदमी दाब गया है मजदूर कम है मजदूर नहीं मिल रहे तो आदमी दाब गया है वो कुत्ता ने पाड़ लिया उल्टी तो कुत्ते ने पाड़ने सवेरे फिर भेज दिए थे आदमी जेबीसी यादव बात करी जेबीसी यादव ने मना आज टाइम को नहीं मैं कल आ जाऊंगा भाई कल कर दूंगा मैं तो जेबीसी यादव कल आने के बाद में जिस आज इन श्रीडी बाल का हंगामा सह दिया तो जी बात आपकी भी सही है तो आगत है जो या चाल रही है या बात है ये युवा भी इकट्ठे ना हो तो आगत है या बात सुधर जाएगी दाब दोगे सुधरिया जाएगी गौशाला डांगर दबेगा भाई जिस गाँव के पशु वारा पशु गेरण की जगह कौन कितने भी किसी ने सब इसका उड़े गेर के जा है भाई जैसा गांव के डांगर आओ भाई गौशाला नौकरिया तो छोड़ी भाई गांव का डांगर गिर गया उसने दबन नहीं जागा बिल्कुल ना ना वो तो कौन जाएगा भाई गौशाला का डांगर है वो दबागा तो जो ये गांव मर रही है ये गौशाला की है के गौशाला की एक गाँव मर रही इनमें बाकी हाँ एक गाँव मर रही है उस पर फिर भेज दी मैंने ये गाँव के डांगर आ रहे हैं। अच्छा अरे भाई सही बात आओगी पुलिस रिपोर्ट कर दो अगर पुलिस मार्फ कार्रवाई हमें नाम भी बता दें मैं किन के इससे पहले हम नाम नहीं बताऊँ किसी के भी। हाँ भाई यानी भाई और पुलिस में रिपोर्ट कर दो पुलिस में रिपोर्ट कर दो या तो भाई नुकन दो थार तो पुलिस ने आदि मैं बुला दूंगा पुलिस ने अगर इसमें कोई भी गौशाला में कोई शिकायत हो डॉक्टर आप जाके पूछ लो फोन कर दी डॉक्टर आओ सारी गौशाला को डॉक्टर समाज टिक्के सबके इलाज करें भाई इसने तो देखो बेरा को नहीं मैं इस गौशाला का मेरी सुनो इस गौशाला का मैं सचिव हूँ मेरी सुनो इस गौशाला का मैं सचिव हूँ मेरी सुन इस गौशाला का मैं सचिव हूँ हमारा प्रधान जी गुजर गया दो महीने से। अच्छा एक कैशियर है दो आदमी है दो आदमी हम आ रहे हैं बाकी आदमी गांव के कमेटी कोई नहीं आ रहा है। अच्छा ईब हम ही है गांव में जिस तरह मजदूर हमारे पास थोड़े भाज गए भाई तंग हो गए काम ज़्यादा लोड बढ़ गया मजदूर हमारे पास तीन तो वो बेचारे गोबर भी ठाव हैं सानी भी गिरे हैं भाई माटी भी गिरे हैं मान ले उकचुक हो जाए है मान ले मजदूर इंसान है थोड़ी बहुत माटी गिरा है वो मान ले मजदूर भेज दिया हम गए कोने पीछे मजदूर गिरा कुत्ते हैं पीछे कुत्ते भाई 5 फुट खड्डा मतलब काट रहे हैं केक रूम है उसका वो पशु कुत्ते ने वहाँ बाहर काट ली फिर भी मैंने यह कही जी पूछ लो जेबी साहब फोन कर रखा है जेबी साहब मिले मैंने आज टाइम को नहीं सवेरे मैं 6 बजे आ लूँगा मैं भाई जो गांव के पशु पड़ रहे हैं सारे अंदाब के एक पास खारी कर दे भाई गांव के पशु आज जिम्मेदारी को नहीं गौशाला की जिम्मेदारी हमें ले हाँ भाई गौशाला की हमारी 6 महीने में कोई कहा पशु गुजर भी जाए हम भी गुजर सका ये बड़ी बात को नहीं बिल्कुल बिल्कुल एक मिनट का हाँ एक मिनट का भरोसा नहीं है भाई कार्रवाई हो है भाई जिस टाइप स्टेडियम में बाढ़ का अंदर 3 किले पर इन बास आओ आपने उड़े खड़े बास आओ है भाई पशु तो जो वारा जगह होगी कितने भी और पशु गेरा जागा सब गेरा गांव के मारा हम एक न्यारे तो गेरते हैं तुम्हारा बैन लगा दो गांव भाई उड़ो पशु ना गिरो हम टाड़ कर देंगे भाई एक आधा पशु गुजर जाए है मान ले 200-250 पशु हैं भाई आपस में गुड़ भी पड़े हैं उसमें उकचुक हो जाए है इब कई गाय टांग टूटी गिर गई रहे हमने जाके देख ले गाँव ठीक करवा दी मेडिकल ठीक चल रहा है डॉक्टर का डॉक्टर पर फोन कर दी डॉक्टर हमारा आओ है डॉक्टर पर कागजाम देख ले रिपोर्ट लग रही है जो भी डांगर बीमार है उसकी रिपोर्ट लग गया पूरी टीम डॉक्टर की आने लगी। चलो भाई जो बात है प्रधान जी ने कही है कि भाई बांस अड़ते क्या है बांस आन की बात नहीं है बांस मतलब बात है या कि दबण की क्यों न दबो तो आप है? देख लो दाब रखी है दाब नहीं कीड़े चालों ऊपर एक बताओ कीड़े चाले पशु दूसरा आदमी गिर गया उसका हमारी की जिम्मेदारी है हमें एक गाँव की जिम्मेदारी ले हाँ एक गाँव हमारी मरी है कल उस गाँव की जिम्मेदारी ले बाकी पशु की जिम्मेदारी हम नहीं ले हमारी को नहीं कहा उसकी जिम्मेदारी लेंगे अगर वह थोड़ी बहुत कुत्ता ने पाड़ ली हम दोबारा माटी गिर के दबुआ सका
बाकी और भैंस भूस पड़ी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं भाई, वो जो घेर के जाओ उसकी जिम्मेदारी है। अरे भाई किसे भाई ने नू कंधा हो भाई गौशाला में गल चल रही है भाई, ये चाबी दे वहाँ भाई, कोई भाई चला लो इसने, हमारे कोई दिक्कत कोई नहीं, हमारे कोई नहीं बस, कोई भाई ले चाबी भाई, तूड़ी गिरा लो भाई, कोई भी कुछ भी चला लो, जो यार जो संचालक से कोई पीछा नहीं लेंदे, अपनी मर्जी से सेवा करे हैं, या तो या सरकारी हो जा, ये मेरा मान लो कोई भी गाँव बीमार होगी ना, मैं आड़े छोड़ जाऊँ भाई, स्टाफ के करेगा उन्हें दो दिन चारा टेक के गया कि मैं भी वह जब ठीक होंगी तो अगला ठीक करवा लेंदा करने दूध पींदा, वह ठीक के नहीं होंगी तो उसका क्या इलाज है, रेडी में गिर के गए थे या दिले ठीक करवा रखी। एक बात सपोज करो, एक बात में मेरा की है, मैंने बात मेरा की है, जो स्टेडियम है ना और लेक भी लो लग है या जी लग है लो लग है, इन बड़ा का यो कहना है कि जो खिलाड़ी हो ना उस खतर वातावरण अच्छा होना चाहिए। बात मैनेजमेंट पर को नहीं, मैनेजमेंट ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, किसी प्रकार दिक्कत को नहीं, भी बड़का का दिक्कत है, कम से कम 100-150 बड़का इसमें प्रैक्टिस करा है, बस उनका दिक्कत है, बस वोट इलाज करवा दियो आप, बस उसमें वो दबवा दियो, और तो कोई बात नहीं को नहीं। सुन मेरी बात, तो समझदार है, इसीलिए कर रहे हैं भाई, ये बालक सुई के हैं कि विदेश के हैं, नो बता मने इसमें ना सिर्फ नहीं नहीं, सुन मेरी बात, विशेष को नहीं है, ये तेरा काम को नहीं गयो, तेरा काम मैं तो गौशाला, तारा काम को नहीं यार, थोड़ा जवाब करना और गिर के जाता, कोई कौन को गांव वाले की गौशाला के अंदर बुआनी पड़ेगी, ठीक है, चाहे जैसी भी बुलाओ, चाहे मतलब सड़क आई ना, ये गलत बात हो तो बताओ तुम, मान लो बदबू आओगी तो गौशाला का और गांव बीमार होंगे, कीड़े चल रहे और गांव दबवानी ना पड़ेगी, या उन रोको भी कोई बाहर का गिर की जा तो, ठीक है। और जो गौ मान ले भाई बुढ़ी है, नुका छोड़ जाए हैं तो छोड़न क्यों दे भाई, कमेटी जिस तरह कमेटी किस खातर है बच्चे भाई, कमेटी क्या तरह भाई, बुढ़ी गाय छोड़ के आप ले जा भाई, तेरी नगर ने शर्म है इसमें, ठीक है, या तो पर्ची काटे हैं कमेटी वाले, हाड़ डांगर अगर दे हैं तो भी पर्ची कटे है, उल्टा ले हैं तो भी पर्ची कटे है, तो बढ़न क्यों दे भाई, अवे डांगर ने जो गौशाला के हूं उन्होंने बढ़न दे, कि अगर कोई पशु मर जाए है तो दाबना चाहिए, दाबना चाहिए ने, तो फिलहाल जो कमेटी के सदस्य हैं उन्हें भी कही है कोई बार का है वो गिर जाए है, तो इसका समाधान को करो, वे दाब के कौन जान दे, दाब के जाएंगे यार, इसी बात हो सके, जो भैंस मरी थी भाई वह दाब रखी भाई है, सारे देखो दे राम उतार कड़ा भाई, आइए एक मिनट, उन्हें तक गौशाला में 3 साल तक काम करे है, 2-3 साल तक कदे गौशाला वाले तिरते नमक लिया के दिया है, गौवा को ऊपर गेरी भाई मरोड़ी आप है, तो फिर या इसमें हमारी कमी कोई, अच्छा तो यारे काम करेगा, हाँ काम करे वो बंदा, अच्छा कहाँ से हो, MP का, अच्छा तो जो ये बात कहें या सच्ची है, सच्ची है, कमेटी ले आके देगी नमक है या किसी भाई और तक मान ले कमेटी ले आएगी, जब देखूंगी गिरूंगा, कमेटी मिले ना तो कहाँ से गिर दूंगा बताओ, जो सामान देगी ना अपन हो कमेटी को उठा वाले तो अपन गिर देंगे कर देंगे, और नहीं देगी तो कहाँ कर देंगे, तो फिलहाल आप भी आ रहे हो तो ये गांव पे छमर रही है गौशाला की है बाहर की, गौशाला के कछु बाहर की भी है, अच्छा हाँ बाहर की तो भैंस थी, भैंस थी और एक गाय और थी बाहर की, गौशाला की 2-3 गाय तो मरी है, 3 गाय थी, हां 3 फिर गौशाला का कहां है, 3 कद मरी है, 8-9 दिन हो गए, 8-9 दिन, हां 1-2-3 दिन का अंतर से मरी, हां इतनी हो गई, 3 है, कहां है 3 का है ये गौशाला की, आप एक बताओ थे कौन सी, ये गौशाला की 3 बताओ ना, 8-9 दिन भाई, काल थे एक मरी थी और कद मरी थी भाई, आ जाओ आ जाओ, 8-9 दिन के बीच में मरी है, एक एक तो कल मरी है, चल 3 होगी भाई, मेरा हुआ ना भाई, नौकर है भाई, ये उड़े काम दिए करे हैं माता वाई बात है, शान से बेरा हूँ, ठीक से ना, तो फिलहाल जो देखो आप सदस्य हो कमेटी के प्रधान हो तो बस दबवाने का काम कर दो, और कोई इनकी बड़ी वाक हो नहीं, मेरे सुनो उड़े दबवाए जाए चाहे तो उड़े चाहे इन घी खुआ दे, यो टोल तेन में चल लगा यो, हाँ ये टोल तो इनका इनका काम है, हमने मेरा है सहयोग तो देंदे ना, इनू कह देने गहरा गिरवा देने सारे पे गिरवा गहरा एक आधा गहरा तो गिरो नहीं बेचेरिया ने, ये मजदूर तो इन नांदी डांट मारी, 2 मजदूर बाज गए, ये बता गहरा किस्सा गिरू ने बता गिरवाइए गहरा, हमने थारा डांट मारी बेसुंदर, कोई किसी बालक ने कोई गलत बोले उठरती वही गई थी के हां भाई माटी गिर के आए, मैं बताऊं तने एक आदमी घर ना गहरा गिरता तो बता दे, घर ना आपकी मशीन गहरा कोने गिर और गिर देंगे, तो ज्ञानी भाई मैंने बात यह है अगर गौशाला की गांव मर जा है तो इब कह है कि गा हमी दबांगे आगत है, ठीक है भाई, तने कितने काट पड़े देखे हुड़े जब दबोड़ी होगा डंगर आड़ ऊपर आओ कोनी, उन कुत्ते ठाठा के ले जाए कोई का पाँव उड़ पाओ किसी का पाछा पाओ, बुरा हाल हो रहा है भाई, दाबण की ओर तो बिल्कुल बुरा हाल है, हाँ गहरे हैं गहरा खूब बढ़िया गहरे हैं,
आड़े ही गंडे भी आए हैं खूब छुट्टी का, मगर दाबन की ओर तक कोई भी 1% वो नहीं भाई। तो नू उसका है ज्ञानी भाई कि जो युवा साथी आपकी टीम है या हाँ। देखो आज कम से कम 10-15 बालक खड़े हैं, तो गामर जा है तो ये मतलब हाँ स्टेडियम में जाके कहें तो दाऊं दबवाओ सारी आना हो दबवा दे दबवाओ क्यों नहीं दबवाओ बताओ जी प्रधान जी दबवा दे हम तो खुश हैं। मैं कहूंगा फोन मालिक को पशु मर गया ना मैं बताऊंगा जड़ा का घोड़ा काम आवे सेवा करो हम ही का साथ देवांगे और बोलो नीचे ना आओ नीचे ना जो मान ले ये सेवा करे हैं ना जो को पशु मर जाए सेवा करे तो मैं आप बुला के लूंगा और बोले हम तो चाहूंगा आदमी मिलो मारे के लिए सारी कमेटी में सारी गौशा आना भी चाहिए। मैं तेने बार बार कहूँ जिस हम हमारे वर्गा नहीं आना पाओ गौशा बड़ो भीतर को डांगर बीमार हो तो कहनी भी चाहिए भाई नौकर था भाई डांगर बीमार डॉक्टर कुन बुलाया भाई थाने कौन था इधर जिक्र देखो ये देखो मैन बात यह आ गई है इन्हें ना आप कह दियो चाहे इनका नंबर ले लो जब गांव कोई मर जा है तो ही ना बुला लियो आप बुला लेंगे बस भाई अगर नहीं आऊंगा तो फिर मेरे तरफ फोन कर दियो फिर रही स्टेडियम रुका मर जा पे जाए। अच्छा रही जेबीसी भाई इन दाई मैंने इन्हें चलो बेरा नहीं होगा मैंने पूछ लेते जेबीसी आते फोन कर रखा है सवेरा होगा जो भी कितने भी आडू है बाहर पड़े हैं सारे दाब के आगे नहीं खाई खोद देगा रह बात पीसिया का हिसाब हिसाब भाई रिकॉर्ड सारा नुक्का नु पड़े है भाई जिस तरह एक आदमी आके हिसाब लेते ले मिला को नहीं अरे भाई गांव गांव के 200 आदमी इकट्ठे करो एक मिनट में रजिस्टर करूँगा सारे आगे एक एक रुपये का हिसाब लो। चलो चलो भाई यह वीडियो इतनी है क्योंकि भाई कितने भी जाके देख लो चाहे आप जाके देख लो चाहे आप वीडियो बनावा हाँ चाहे और किसी की वीडियो है गौशाला की कमेंट भी आंदे रहे भाई गौशाला है वह नू ये चल रहा है मतलब गऊ भाई मर भी जा है। तो फिलहाल जो यहाँ के प्रधान है इन्हें कह दिया है कि अगर कोई आगत है जिस तरह गांव रहेगी तो युवा साथी भी हैं ये भी साथ देंगे दबवाण में। तो और भी वीडियो आप तो दिखाते रहेंगे बनाते रहेंगे देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद जय हिंद भारत माता की जय।